वेलकम बैक टू माय चैनल, मी अंशिका। सो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कहा था कि एवरी सैटरडे आई विल रिकॉर्ड अ व्लॉग फॉर यू। सो आज इज सेकेंड डे मेरे व्लॉग रिकॉर्डिंग का। और इस पर एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना लास्ट टाइम भूल गई थी कि अगर कोई स्पेशल ओकेजन होगा या मतलब कोई हॉलीडे होगा तो भी मैं आपके लिए रिकॉर्ड किया करूँगी। और मुझे कभी कुछ लगा कि हाँ ये तो आपको दिखाना चाहिए, देन आई विल ऑल्सो रिकॉर्ड अ व्लॉग फॉर दैट डे। वरना तो स्पेसिफिकली हमने सिर्फ सैटरडे को ही अपनी प्रायोरिटी रखी है। जैसे कि अगर क्रिसमस हो गया तो क्रिसमस का एक आपके लिए व्लॉग बनाऊंगी, न्यू ईयर का व्लॉग बनाऊंगी, ऐसे ही। तो आज का जो सैटरडे व्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मेरे एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं, मेरा एग्जाम रूटीन आएगा, मतलब मैं एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैं जब मैंने आपको आई थिंक कहा होगा लास्ट टाइम के व्लॉग में कि मैं स्कूल जाने वाली हूँ, मैं स्कूल वालों ने बुला लिया है स्कूल एग्जाम से निकले ऑफलाइन एग्जाम से, तो उसका भी एक एग्जाम रूटीन है। बट मुझे इस वीक में कंटिन्यूसली इतने सारे एग्जाम्स हुए कि मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिला, तो इस व्लॉग के बाद वो दिनों कंटिन्यूसली अपलोड होंगे। अब बताना कौन से सीक्वेंस में मैं एडिट करूँगी। तो अभी चलिए हम अपना खाते हैं। ये क्या है? उपमा। हाँ, उपमा खाते हैं। मम्मा ने आज वेजिटेबल उपमा बनाया है। सुबह बेड में इंजॉय करते हैं बैठ के। और मैथ्स के पेपर के लिए मैं दोपहर को प्रिपेयर करूंगी। बेड में नहीं खाना है, बेड में नहीं खाना है, नीचे खाना है। अच्छा हाँ, डाइनिंग में चले जाओ, नहीं तो नीचे घूम घूम के खा। हाँ, घूम घूम के खा लूंगी। मुझे डाइनिंग, मुझे बैठे हुए भी ठंड लगती है डाइनिंग में। और उसके बाद मैं आज मुझे कोडिंग अच्छी लग रही है। मुझे बहुत पहले भी मैंने एक ऐप बनाया था व्हाट्सएप, तो मतलब मम्मा मैंने आपको व्हाट्सएप ऐप बना के दिया था ना? हाँ, मैंने मम्मा को एक व्हाट्सएप का ऐप भी बना के दिया था, तो वो भी मम्मा के बर्थडे का एक गिफ्ट था। क्योंकि मुझे लगा कि मम्मा जो चाहती है ना कि मैं और कुछ न्यू चीज़ें सीखती रहूँ, तो वो मैंने इसलिए एक व्हाट्सएप का ऐप बना दिया था। ऐसी कोडिंग में किसका वीडियो देखा, सीखा और बनाया। तो फिर मैंने कल एक बनाया है टिक टैक टू ऐप, वो भी मैंने अब खुद ही बनाया, कोडिंग उसमें भी मैंने खुद ही की है। और अभी मैं कर रही हूँ एक स्प्राइट लैब में कोई एक गेम बना रही हूँ। आई मतलब एक न्यू एक्सपीरियंस है। कभी स्प्राइट लैब डांस पार्टी, बहुत सारे ऑप्शंस है उसमें। मैं बना रही थी code.org में, code.org के ऐप लैब में बना रही थी मैं व्हाट्सएप और टिक टैक टू। और लेकिन अभी मैं बनाऊँगी जो मेरा क्या कहते हैं उसको, जो मेरा उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ मेरे गेम में वो स्प्राइट लैब मैं बना रही हूँ। सर चलिए देखेंगे कि वो कैसा बनता है, मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो खाने के बाद पहले उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी, और थोड़ा सा ही बचा है, थोड़े बहुत ही उसमें मोशन ऐड करने बचे हैं। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे पढ़ाई करने, क्योंकि चार चार चैप्टर आ रहे हैं, मुझे उनके रिविजन्स करनी, फिर रिकॉर्ड बट वेज करने। और लास्ट टाइम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था ओलंपियाड पढ़ने के लिए, इतने सारे पढ़ाई थी। तो आज हम ओलंपियाड एट एनी कॉस्ट करेंगे ही करेंगे। तो चलिए मैं खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा खाना हो चुका है फिनिश, और मम्मा ने कहा कि वो जो चाय का पैन धो के देंगी ना, तो मैं मम्मा के लिए टेस्टी अदरक वाली चाय बनाऊंगी। तो मम्मा बस दे दे, फिर मैं बनाऊंगी चाय। मुझे चाय से ही आता है फ्रेंड्स कि मैंने ना दिवाली के वेकेशन के लास्ट डे में आप लोगों के लिए चाय का वीडियो शूट किया था, बट मैंने एडिट नहीं किया। कितने सारे वीडियोज़ है जो मैंने रिकॉर्ड किया एडिट नहीं हुआ, और कुछ वीडियोज़ है जो मैं रिकॉर्ड करके एडिटिंग करके एक्सपोर्ट भी करके पापा को दी हूँ मैं, बट वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ। जैसे कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन, और एक और वीडियो उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ एक मैप का वीडियो है, वो दोनों वीडियो अभी तक पापा ने किया नहीं है, तो देखते हैं। तो आज अभी सुबह तो नहीं, और मुझे ना एडिटिंग पापा के लैपटॉप में ही करनी होती है, तो मैं संडे को ही रखती हूँ सारा एडिटिंग का काम, मोस्ट ऑफ दी वर्क। तो अभी पापा जब शाम को आएंगे तो उनके लैपटॉप में करेंगे। मामा आज रात को मूवी देखेंगे? ठंड में हम लिविंग रूम पे तो बैठ नहीं पाएंगे, तो नो मूवी। तो हाँ, उस टाइम में मैं एडिटिंग कर लूँगी, मूवी तो नहीं देख रहा, तो एडिटिंग हो जाएगा। और आज हमारा क्रिसमस ट्री भी निकलने वाला है, सो आई एम सो एक्साइटेड। आज क्रिसमस ट्री निकलेगा तो रात को मैं उसको डेकोरेट करूँगी, ओनली मी, नोबडी एल्स, है ना मम्मा? तो सुबह पहले डस्टिंग होगी, तो फिर हम फिर शाम रात को जब पापा आएंगे देन हाँ क्रिसमस ट्री निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि पापा ने मुझे मम्मा ने मुझे टास्क दिया कि मेरे लिए चाय थोड़ा बना दो, चाय बनाएंगे। मेरे टास्क दिया है तुम्हें? मतलब कि मम्मा ने मम्मा बोली कि भाई को पकड़ो, मैं चाय बना
मैं मुझे खुद के लिए चाय बनानी है, तो मैंने बोला मैं बना देती हूँ चाय, ऐसे मुझे बोर लग रहा है, मैं थोड़ी देर में जाऊँगी पढ़ाई करने, तो चाय बना के। अभी सॉन्ग चल रहा है, सॉरी क्यों कर रही हूँ ऐसे, पूरा डालना ही है तो पूरा, मतलब कि फूटना है मुझे इस अदरक को। अदरक कूट दिया है और बस चाय बनाना स्टार्ट करेंगे। और आज मैं चवन ब्रश खाना भूल रही हूँ, सो आफ्टर फ्यू मिनट्स या फिर कहते आफ्टर चाय मैं जब ब्रश खाऊंगी चल चाय बना फाइनली स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स मैं नहा के तो आ गई हूँ, पर फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। एक और रीज़न जो है मेरे नहाने का इतना जल्दी हुआ कि जैसे जितना डिले होता जाता है ना नहाने में, आई फील उतना ही लेज़ी। हाँ मुझे बहुत ही लेज़ी फील होता है कि हो अब मतलब कौन नहाने जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर उतना गर्म होता जाता है ना, मतलब जैसे 12 o'clock हो गई तो यहाँ पर थोड़ी गर्मी आ जाती है, तो मतलब और उसके बाद नहाने का मन नहीं करेगा मुझको। सो दैट्स वाई मैं जल्दी जल्दी अपना नहाना कर लेती हूँ, सुबह अराउंड 10 o'clock तो हो ही जाता है। चलिए अब मैंने कहा था डिक्लटर करना है, तो मम्मा ने एक बड़ी मदद कर दी है, सारे जो उस पर जैसे इसके बेडशीट थी वो उठा दिए, और इसमें जो सारे कंबल वगैरह ब्लैंकेट क्विल्स सब रखे थे, कंफर्टर्स जितने भी हमने ओढ़े थे रात को, सब मम्मा ने बाहर कर दिए। तो मुझे जल्दी से भी रूम साफ करना है, देन आई वापस सब लगाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइड में साथ के साथ प्ले कर देती हूँ, इधर कहीं दिख जाएगा आपको वो टिक टॉक टो गेम जो मैंने क्रिएट किया है, तो इधर कहीं दिख जाएगा आई थिंक इस साइड दिख जाएगा वो स्क्रीन में ही दिख जाएगा जो टिक टॉक टो गेम है। तब तक आप वो देखिए कि मैंने कैसे कोड किया है, फिर आपको आगे दिखाऊंगी कि मैं नेक्स्ट जो कोडिंग करूँ क्या है। और हाँ अभी तो मैं सिर्फ कोडिंग सीख रही हूँ इन कोडो टू आर जी, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है जैसे कि पाइथन जावा C++, मुझे इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा सीखने में टेक्नोलॉजी। तो अभी मतलब अभी तो खाना नहीं हो गया है, मतलब कि अभी सिर्फ नॉर्मल जो मैं ऐप लैब में सॉरी स्प्राइट लैब में बना रही हूँ उसको कंप्लीट कर दूँगी, उसके बाद दोपहर को मैं बनाऊँगी पाइथन। आई एम थिंकिंग टू लर्न पाइथन एज वेल, पाइथन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप देखते रहिए मेरा वो टिक टॉक टो गेम, मुझे जरूर उससे कमेंट कीजिएगा आपको वो टिक टॉक टो गेम कैसा रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसका, तो आप वहाँ से जाके वो कर सकते हैं, या फिर आप code.org में मैंने उसको पब्लिश भी कर दिया गेम को, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा साइड भी हो चुका है डन, अब चलते हैं जस्ट ऑफ रैप पे, क्योंकि स्टडी टेबल मैंने सबसे लास्ट पे रखा है, वो बहुत टाइम लेता है, टाइम टिकने का है, तभी करते हैं जस्ट ऑफ ड्रॉयर जो पीछे देख रहे हैं, चलिए उसको क्लीन करते हैं।
बस एक घंटे से, मम्मा एक घंटा हो गया होगा ना कंटिन्यूसली वन आवर से डस्ट चेक करने के बाद पूरा रूम मेरा सेट हो चुका है, पूरे घर को एक साथ करते हैं। इस वीक में स्कूल था तो सारा घर एक ही दिन मैच किया और संडे को सिर्फ रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स नथिंग। और मम्मा ने और मेरा क्रिसमस ट्री आज शाम को जैसे मैंने कहा निकल जाएगा क्योंकि अब डस्टिंग हो गई है सब, मैंने एरिया वीरिया सब साफ कर दिया तो हाँ अब डायरेक्ट डाल देंगे, वरना तो फिर से क्रिसमस ट्री निकालते फिर साफ करते एरिया को फिर से क्रिसमस ट्री डालते। तो मैं शाम को दिखाऊंगी कि क्रिसमस ट्री में सजाऊंगी, बट क्रिसमस ट्री डेकोरेशन का अलग ही वीडियो आएगा।